Hi, Jaz here. Today, our topic is thyroid and parathyroid gland. हमारे गले में यहाँ पे जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बिल्कुल सामने सेल्स का एक ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सन। ठीक है जी, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो ऐसे जो है वो बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन होता है ऐसे करके। ऐसे बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन थायराइड ग्लैंड जो कि मौजूद होता है हमारे यहाँ पे ट्रैकिया के बिल्कुल सामने। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन विच इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। थायरॉक्सन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थायरॉक्सन हार्मोन क्या करता है कि इसका काम है होता है ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स के जो ग्लूकोज फूड से हमारे सेल्स के अंदर जाती है उसकी ऑक्सीडेशन करना और उसे क्या प्रोड्यूस करवाना, एनर्जी प्रोड्यूस करवाना। इट मीन्स कि अगर बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन का काम होना है तो उसके लिए जो है वो थायरॉक्सन चाहिए। ये जो थायरॉक्सन है ये बॉडी के अंदर जो है वो दो शक्लों में होती है, एक को हम कहते हैं थायरॉक्सन जो है वो T3 और दूसरी होती है T4, यानी ट्राई आइडो थायरोनिन और टेट्रा आइडो थायरोनिन, जिसको हम जो है ना वो हम थायरॉक्सन के नाम से जो जानते हैं T3 एंड T4। ये वो हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है अंडर द सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन है जो कि जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, वो जो है ना वो इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर आके जो है एक्ट करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा और आगे जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सन प्रोड्यूस करेगा। थायरॉक्सन जो है वो T3 T4 और इसकी कह रही है ऑक्सीडेशन करेगी। थायरॉक्सन प्रोड्यूस करने के लिए इसको केमिकल चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं आयोडीन। यानी ये थायरॉक्सन तभी प्रोड्यूस होगा जब बॉडी के अंदर जो है ना वो आयोडीन मौजूद होगी। आयोडीन, आयोडीन होगी तो ये थायरॉक्सन जो है बनेगा। अगर बॉडी के अंदर जो है वो आयोडीन की कमी आ जाती है तो उसे थायरॉक्सन नहीं बनता, तो उसे क्या होता है एक बीमारी डिजीज जो है ना हो जाती है, इसे हम कहते हैं गॉइटर, जिसको जो है उर्दू में गलड़ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ना ये स्वेल कर जाते हैं। तो एक्चुअली जो है वो होता क्या है, होता ये है कि अब ये थायरॉक्सन है इसके लिए चाहिए आयोडीन, अब फूड में आयोडीन नहीं है, आयोडीन की कमी है, तो ये जो थायरॉक्सन है आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सन नहीं बनेगा। थायरॉक्सन जब नहीं बनेगा तो इसका जो नेगेटिव फीडबैक है क्या, क्योंकि ब्लड के अंदर थायरॉक्सन नहीं है, क्यों, क्योंकि आयोडीन नहीं है, इसका नेगेटिव फीडबैक इसको जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड के उसको जाएगा कि नेगेटिव फीडबैक है ब्लड के अंदर थायरॉक्सन नहीं है तो थायरॉक्सन जो है ना वो चाहिए, तो इसका नेगेटिव फीडबैक जा रहा है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, TSH को सिक्रीट करवाता जा रहा है। TSH सिक्रीट होता जा रहा है तो TSH जो है ना वो किसको प्रोटेक्ट करता जा रहा है, थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता जा रहा है। थायराइड ग्लैंड चूंकि ये अब एक परपेचुअल अटेम्प्ट कर रहा है इसको थायरॉक्सन को बनाने की, क्यों, अंडर दी सिक्रीशन ऑफ दी, अंडर दी कंट्रोल ऑफ दी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH तो कंटिन्यूसली जो है ना वो स्टिमुलेट करता जा रहा है लेकिन आगे थायरॉक्सन नहीं बन रहा। वजह क्या है, वजह क्या है, अब फूड के अंदर आयोडीन नहीं है, ठीक है, तो उसकी मैंने रीजन आपको बताई कि वो नेगेटिव फीडबैक जाएगा थायरॉक्सन ब्लड का ना होने का इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड TSH जो है वो सिक्रीट करता जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो पैगाम जा रहा है ब्रेन को कि भाई थायरॉक्सन चाहिए, थायरॉक्सन बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है, तो वो जो है वो TSH सिक्रीट करता जा रहा है। तो TSH से जो है वो जो थायराइड ग्लैंड है वो सेल क्या कर रहे हैं, परपेचुअल अटेम्प्ट करने के लिए स्वेल करते जा रहे हैं, वो आगे जो है ना वो सूज जाते हैं। तो अगर जैसे जो है ना वो बॉडी के अंदर आयोडीन मौजूद होगी तो जो है वो थायरॉक्सिन बनता जाएगा और जो है ना वो ये जो गॉइटर है अब ये लेस हो जाएगा और इस तरह जो है ना ये डिजीज जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर ये जो थायरॉक्सिन है ये जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है तो इसको हम कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। यानी जो थायरॉक्सिन है अगर बॉडी में जरूरत से ज्यादा सिक्रीट होता है तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसके अंदर क्या होता है फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, तो गर्मी से भी स्वेटिंग हो जाती है, जरूरी नहीं है कि स्वेटिंग हो रही है तो हाइपर थायरॉयडिज्म ही है, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग हो रही है,
शिवरिंग ऑफ हैंड्स हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो हार्ट बीट जो है ना वो फास्ट है, तो ये कंडीशंस ये किसको शो कर रही हैं कि बॉडी के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायरॉक्सिन ज़्यादा बॉडी के अंदर सिक्रीट हो रहा है। और अगर ये जो थायरॉक्सिन है ये ज़रूरत से कम सिक्रीट हो रहा है, यानी अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म। ठीक, हाइपो का मतलब होता है बिलो और हाइपर का मतलब होता है हाई। तो अगर थायरॉक्सिन जो है ना वो कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसमें जो सारी जो कंडीशन है उसके उलट होंगी, स्टार्टिंग जो है वो नहीं होती और उसके बाद जो हार्ट बीट स्लो हो जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी, लिथर्जी, क्योंकि ऑक्सीडेशन का काम है, ऑक्सीडेशन से एनर्जी बननी है, एनर्जी नहीं होगी तो बॉडी के अंदर जो है ना वीकनेस और लिथार्जी और वीक इस किस्म की जो कंडीशंस हैं, जो सिम्टम्स हैं वो बॉडी के अंदर अपीयर होंगी, क्योंकि ड्यू टू दी हाइपर हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके बाद जो सेकंड हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है वो कहलाता है कैल्सीटोनिन, यानी थायराइड ग्लैंड से एक तो थायरॉक्सिन निकलता है, दूसरा हार्मोन क्या है, कैल्सीटोनिन। टोनिन, कैल्सीटोनिन का काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को लो करना, ये काम करता है कैल्सीटोनिन अंडर दी कोलेबोरेशन विद दी पैराथायराइड ग्लैंड एंड विच इज प्रोड्यू विच बींग प्रोड्यूस द हार्मोन पैराथार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं इसकी बिल्कुल बैक साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे भी जो है वो छोटे छोटे ग्लैंड मौजूद होते हैं जो कहलाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन और जो कैल्सीटोनिन होते हैं ये इंटरप्ले, यानी दोनों जो है ना वो कम्युनिकेट करके बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करते हैं। कैसे, ये डायग्राम जो है ना वो इसमें ये चीज़ दिखाई गई है। बात कहाँ किस चीज़ और की है, दो हार्मोन की, वन इज कैल्सीटोनिन, सेकंड इज पैराथार्मोन विच इज प्रोड्यूस अंडर द सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड जो कि ट्रैकिया की या जो लैरिंक्स होता है उसकी बैक साइड पे मौजूद होता है। अब पहला सिनेरियो क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन PTH। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो है, ठीक है, ये ब्लड है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो लो है, तो क्या होगा, जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड था, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड के जो फोर ग्लैंड होंगे यानी इसके जो छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ सेल्स होंगे ये क्या सिक्रीट करेंगे, PTH। PTH क्या करेगा, ये हार्मोन जो है वो सबसे पहले बोन के ऊपर एक्ट करेगा और बोन को, बोन से क्या करेगा, कैल्शियम आयन को रिलीज कराएगा, जिससे जो है वो बोन्स क्या हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी। बोन जब ब्रिटल होंगी तो वो जो है ना उससे जो कंडीशन है उसे हम कह देंगे टैटनी हो गई है, कि मसल जो है ना वीक कर गया या बोन जो ब्रिटल हो गया, क्योंकि PTH क्या कर रहा है, कैल्शियम आयन को रिलीज करता जा रहा है, अगर ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है तो तब। दूसरा इसका इफेक्ट क्या होना है, किडनीज के ऊपर होना है, किडनीज के ऊपर इफेक्ट होगा तो ये कैल्शियम आयन किडनी से क्या करेगा, इसको जो है ना वो एब्जॉर्ब कराएगा, यानी कि कैल्शियम आयन जो है ना वो चूंकि ब्लड के अंदर लो है तो किडनी से कैल्शियम आयन को यूरिन के अंदर नहीं जाने देना, किडनी से कैल्शियम आयन को रिटेन करना है ब्लड के अंदर, कैल्शियम आयन को किडनी ने ब्लड के अंदर रिटेन करवाना है, बोन से कैल्शियम आयन को सिक्रीट करवाना है, किसमें, ब्लड में भेजना है। तीसरा जो इफेक्ट किसके ऊपर होना है, इंटेस्टाइन के ऊपर होना है, इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम आयन को जो है ना वो क्या करवाया जाएगा, एब्जॉर्ब करवाया जाएगा, किसमें, ब्लड के अंदर। अब देख रहे हैं यहाँ से जो एरो है वो मैंने जो इंटेस्टाइन है उसके अक्रॉस जो है ना यहाँ से एरो लिया कि कैल्शियम आयन को रिली एब्जॉर्ब करवाया जाएगा, किसमें, ब्लड में। तीनों से जब कैल्शियम आयन जो है ना वो निकल के किसमें जाएगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम जाएगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी क्यों, उस कंडीशन में हो रहा है जब कैल्शियम लेवल जो है वो लो है और उसको अप करना है। तीन तरीके, बोन से कैल्शियम आयन को जो है वो निकलाना है और ब्लड के अंदर भेजना है, किडनी से कैल्शियम आयन को यूरिन के अंदर नहीं जाने देना, कैल्शियम आयन को ब्लड के अंदर जो है वो सिक्रीट, उसको एब्जॉर्ब करवाना है, इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम आयन को ब्लड में एब्जॉर्ब करवाना है। जब ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन तीन तरीके से जाएगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल अप कर जाएगा, राइज कर जाएगा। सेकेंड सिनेरियो क्या है, जब ठीक है जो पैराथार्मोन है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ये जो है ना वो क्या करेगा, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है उसने, या इसके तो फ्रंट साइड होगी ना, ये तो बैक साइड है, फ्रंट साइड पे जो हार्मोन है वो कैल्सीटोनिन है। जब कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर हाई होगा, कैल्शियम ब्लड के अंदर जो है वो हाई है तो उसको जो है वो नॉर्मल करना है, वो किसका काम है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करेगा, तीन तरीके तैयार करेगा जैसे जो है वो PTH ने किया। सबसे पहले ये क्या करेगा, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम आयन, मैंने जो इसकी जो NS है यानी कि कैल्शियम जो बीच में आज की जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम आयन को सिक्रीट करवाएगा, किसमें, वेस्ट मैटर के अंदर,
क्यों? ब्लड के अंदर पहले कैल्शियम लेवल ज्यादा है, उसको कम करना है, ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होने देना, उसको एक्सक्रीट करना है वेस्ट मैटर के अंदर, ठीक है। दूसरा कैल्सिटोनिन जो क्या करेगा, किडनी से जो कैल्शियम आएगा ना उसको भी जो है वो यूरिन के अंदर सिक्रीट करवाएगा। और तीसरा इफेक्ट कैल्सिटोनिन क्या करेगा, बोन के अंदर कैल्शियम आयन को डिपॉजिट करवाएगा। इन तीनों जो फंक्शन है, नतीजा क्या होगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या कर जाएगा, लो कर देगा। तो पीटीएच कैल्सिटोनिन दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो साइड बाय साइड जो है वो पैरेलल काम करते हैं। जैसे ही ब्लड लेवल कैल्शियम के अंदर हाई होता है तो साथ ही जो है ना वो क्या होता है, जो कैल्सिटोनिन है वो रिलीज होता है और वो कैल्शियम आयन को जो है वो लो करता है। तीन तरीके से बोन से जो है वो कैल्शियम आयन बोन को डिपॉजिट करवाएगा, किडनी से भी कैल्शियम आयन को सिक्रीट करवाएगा और इंटेस्टाइन से भी सिक्रीट करवाएगा, यानी कि उसको जो है ना फीसेज के अंदर वेस्ट मैटर के अंदर कन्वर्ट करेगा। और जैसे जो है ना इसका क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज कर देगा। जब बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा उसको अप करना है, तो उसके उलट काम करना है, बोन से जो है वो कैल्शियम आयन को लेके जाना है, किडनी से अब्सॉर्ब करवाना है, इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब करवाना है, किसमें, ब्लड में, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो होप ये जो दो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि आपस में जाना एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, इसमें आपको जो है वो समझ आया होगा। मजीद इसके बारे में जो क्वेश्चन हो तो कह लिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।